नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के इतिहास में सबसे ज़्यादा बोनस शेयर देने वाले स्टॉक्स के बारे में। साथ ही साथ सिर्फ ज़्यादा बोनस शेयर देने वाले ही स्टॉक्स ये नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले स्टॉक्स भी है। तो सबसे ज़्यादा जो बोनस देती है, समझिए वो सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न भी देती है, अगर उसके शेयर के प्राइस में 100% का भी इंक्रीजमेंट हो, शेयर के प्राइस में 100% का इंक्रीज भी हुआ हो, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा काफ़ी बेहतर रिटर्न देगा। वो कैसे, आप विप्रो के शेयर में आप देख सकते हैं कि स्टॉक के प्राइस में काफ़ी कम आपको इंक्रीज देखने मिलेगा। जैसे आप बजाज फाइनेंस में देखेंगे, बजाज फाइनेंस 5,000 रुपये का जब शेयर था, उसमें आपको 100,000% का इंक्रीज दिखेगा शेयर के प्राइस में। लेकिन विप्रो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 200%, 300%, ज़्यादा से ज़्यादा 1,000% दिखेगा। लेकिन ये रिटर्न इतना बेहतरीन देता है क्योंकि ये रेगुलर इंटरवल पे बोनस शेयर देता है। तो इस वीडियो में हम विप्रो के शेयर के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स बार बार कमेंट करते हैं आप विप्रो को भूल जाते हैं, विप्रो को भूल जाते हैं। दोस्तों, विप्रो स्टॉक मार्केट इतिहास में सबसे फेमस शेयर है, जो सबसे ज़्यादा बोनस दी है, साथ साथ सबसे ज़्यादा रिटर्न दी है। विप्रो के बाद दूसरा जो सबसे बड़ी कंपनी है रिटर्न देने के मामले में, वो है सिप्ला। सिप्ला पे हमने एक वीडियो भी बनाया था कि वो 250 करोड़ का रिटर्न दिया है, 250 करोड़ का। वहीं विप्रो 500 करोड़ से अधिक का दिया है। तो उसमें बहुत सारे जो लोग नहीं जानते हैं बोनस शेयर के मैजिक के बारे में, वो कमेंट भी किए सिप्ला वाले वीडियो पर कि आपका कैलकुलेशन रॉन्ग है, ये है वो है। तो बहुत सारे गलत कमेंट भी किए, तो लेकिन जो सही है हम वही बताते हैं आपको कि जो सबसे ज़्यादा बोनस दिया है तो विप्रो वो है, और उसके बाद सिप्ला है। विप्रो जो हमारा आगे बोनस शेयर आपको दे सकता है या नहीं, मतलब जितना पीछे दिया उतना दे सकता है या नहीं, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स को जान लेते हैं, जो विप्रो है उसके वैल्यूएशन को, उसके बाद इसके सारे जो इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन का पैरामीटर है उसके बारे में। सबसे पहले मार्केट कैप देख लीजिए, 1,54,000 करोड़। तो ये एक हो गया ब्लू चिप कंपनी। तो जो ब्लू चिप कंपनी है, अगर ये नए नए मतलब ग्रोथ पर ध्यान नहीं देती है, नया नया ग्रोथ नहीं करती है, मतलब नए नए अपॉर्चुनिटी को नहीं ढूंढती है, तो इसमें आपको वैसा रिटर्न नहीं मिलेगा जैसा कि पहले मिला। पहले कैसे मिला, विप्रो जो हमारा एक अलग सेगमेंट में काम करती है, ऑयल सब बनाती थी, वहाँ से आया टेक्नोलॉजी कंपनी ये बन करके, मतलब वहाँ से अपना जो ऑयल का बिजनेस है उसे छोड़ करके टेक्नोलॉजी में प्रवेश किया, वहाँ से विप्रो इतना बड़ा रिटर्न दिया इन्वेस्टर को। तो सबसे मेन जो लॉजिक है ये समझिए। वहीं अब ये जो हमारा आईटी सेक्टर में है, तो अब ये एक ब्लू चिप कंपनी बन चुका, इसका बिजनेस काफ़ी मतलब ग्रोथ कर चुका है। अब यहाँ से आगे ये ग्रोथ पर ध्यान नहीं देता है, नए नए अपॉर्चुनिटी को नहीं ढूंढती है, तो आपको वैसा रिटर्न नहीं मिलेगा जैसा कि आपको पीछे मिला। जैसे अभी न्यूज आया, विप्रो जो है यूरोप में एक छोटे से कंपनी को एक्वायर किया है। तो अभी जो पैंडमिक सिचुएशन आया है, कई सारी छोटी कंपनियों को बड़ी बड़ी कंपनियाँ एक्वायर कर सकती है, तो उसी में विप्रो भी है, एक ब्लू चिप कंपनी, काफ़ी कैश है, काफ़ी रिजर्व है कंपनी के पास, तो छोटी छोटी कंपनियों को एक्वायर कर सकता है, तो नए नए बिजनेस के अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकता है। तो जैसे अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा, तो इसमें आपको काफी तेजी देखने मिलेगा इस स्टॉक में। उसके बाद पी देख लीजिए, 17 का है, इंडस्ट्री से काफी कम है, तो मतलब आपको काफी सस्ते वैल्यूएशन पर अभी भी ये मिल रहा है, जबकि ये 100 रुपया अप हो चुका है, मतलब 180 पर ये स्टॉक्स मिल रहा था। बुक वैल्यू कंपनी का देखते हैं, 81 है, वही डिविडेंड 50% है, अर्निंग पर शेयर 15 रुपीज है, तो अर्निंग पर शेयर काफी बेहतरीन है कंपनी के प्राइस के हिसाब से। यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो देखते हैं, प्राइस जो है बुक वैल्यू के मात्र 3.33 टाइम्स है, तो काफी बेहतरीन स्टॉक्स है। उसके बाद यहाँ पर आप कॉर्पोरेट टैक्स पर जाइए, इसके सारे जो आप बोनस दिया है, डिविडेंड दिया है, वो देख सकते हैं। बोर्ड मीटिंग यहाँ पर जुलाई 14 को इसका रिजल्ट आया, काफी बेहतरीन रिजल्ट था। डिविडेंड यहाँ देख सकते हैं, हर साल डिविडेंड देती है कंपनी 1 रुपये का, मात्र 1 रुपये का डिविडेंड। आप सुनकर के चौंक जाते होंगे कि 1 रुपये का डिविडेंड से क्या होगा, लेकिन याद रखिए ये बोनस शेयर देती है, जो लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टेड है, जो 10 साल से 20 साल से, उनके पास काफी शेयर है, तो 1 रुपये के डिविडेंड से हुए करोड़ों कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं, लाखों छोड़िए करोड़ों कमाते हैं, जो पिछले 20 सालों से इन्वेस्टेड है। उसके बाद बोनस देखिएगा, तो काफ़ी बेहतरीन बोनस देख सकते हैं, कुल यहाँ आप जाकर के बोनस कंपनी का गिन सकते हैं, कुल सबसे ज़्यादा 13 बार बोनस दी है इस कंपनी ने। यहाँ पर आकर के आप काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कुल 13 टाइम्स बोनस दिया है इस कंपनी ने। तो पहले जो बोनस का रेशियो था, यहाँ पर देखते हैं बीच में 1:1, 2:1, तो यहाँ पर देख लीजिए 1997, 2004, यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन बोनस का रेशियो था।
अब थोड़ा बोनस का रेशियो 2019 में देखते हैं 1:3, तो ये काफ़ी मतलब कम हुआ, 3 शेयर पे आपको 1 शेयर मिला, तो यहाँ पर बोनस का रेशियो जो है काफ़ी कम हो गया है, यहाँ पे भी कम था तो इधर बोनस का रेशियो कम हो गया, तो थोड़ा सा ये भी दिक्कत है। लेकिन विप्रो में इन्फोसिस से ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है कि आपको आगे अच्छा रिटर्न दे सकता है। उसका एक कारण और आपको हम बताते हैं, विप्रो का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिएगा तो प्रमोटर्स के पास 75.89% है, वहीं इन्फोसिस में मात्र आपको 13-15% मिलेगा। उसमें भी इन्फोसिस में न्यूज़ आ रहा है कि 500 करोड़ से अधिक का शेयर जो है प्रमोटर्स इधर बेचा है, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। 500 करोड़ से अधिक का प्रमोटर सेल क्या है, प्रमोटर जब सेल करता है वो नेगेटिव न्यूज़ होता है मार्केट के लिए, क्योंकि कोई कंपनी से प्रमोटर्स अपना रुपया निकाल रहा है, मतलब कंपनी में कोई ना कोई डाउट है आगे के बिजनेस के ग्रोथ पर। तो इसमें तो कंपनी का प्रमोटर्स के पास 75% का स्टेक है, तो काफ़ी बेहतरीन है। प्रमोटर्स ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ध्यान देगा इस कंपनी के ग्रोथ पर, इस कंपनी के बिजनेस को आगे बढ़ाने में। इसके बाद इसके फाइनेंशियल को आप देख सकते हैं, का जो फाइनेंशियल है वो भी काफ़ी बेहतरीन है, कंपनी लगातार प्रॉफिट। इस पैंडमिक में जून क्वार्टर में भी कंपनी ने काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है, यहाँ पर देखते हैं चाहे मार्च क्वार्टर हो या जून क्वार्टर, दोनों रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन है। जैसा कि मतलब बहुत सारे लोग आशा करते थे, कयास लगाते थे कि रिजल्ट काफ़ी प्रभावित होगा, वैसा कुछ नहीं है। रिजल्ट यहाँ पर देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस फ्लैट है, पिछले क्वार्टर से भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है रिजल्ट के प्रॉफिट में, तो काफ़ी बेहतरीन है। अब बैलेंस शीट देख लीजिए कंपनी का, बैलेंस शीट भी काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ विप्रो के बैलेंस शीट पर आए हैं, तो रिजर्व देखिए 45,000 करोड़, तो रिजर्व भी काफ़ी ज़्यादा है, रिजर्व जो कंपनी का कांस्टेंट बना हुआ है कई सालों से। उसके बाद कंपनी के पास डेब्ट भी है 5,000 करोड़ का, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 5,000 करोड़ का कंपनी के पास डेब्ट भी है, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व और कैश काफ़ी ज़्यादा है। 45,000 करोड़ का रिजर्व प्लस 10,000 करोड़ का देख लीजिए कैश और बैंक बैलेंस, तो कंपनी के पास रिजर्व और कैश बैंक बैलेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम कंपनी का जो 5,000 करोड़ का डेब्ट है उस डेब्ट को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, उतना बर्डन कंपनी पे नहीं मानते हैं कि काफ़ी बर्डन है कंपनी के ऊपर। साथ ही साथ बुक वैल्यू देखिएगा तो कंपनी का बुक वैल्यू काफ़ी डिक्रीज हुआ है, बुक वैल्यू मतलब होता है करेंट जो एसर्ट है कंपनी का वो डिक्रीज हुआ है, एसर्ट माइनस लाइबिलिटीज ये कंपनी का बुक वैल्यू होता है, तो निश्चित है कंपनी का जो एसर्ट है वो डिक्रीज हुआ है, इसलिए बुक वैल्यू आपको यहाँ पर घटता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद जो डिफरेंट रेशियोज है आप उसे देख सकते हैं, कंपनी का अर्निंग पर शेयर साथ साथ जो डिफरेंट रेशियोज है यहाँ पर अर्निंग पर शेयर देखिएगा तो काफ़ी डिक्रीज हुआ है अर्निंग पर शेयर, पिछले साल की तुलना में लेकिन बढ़ा है और साल की तुलना में काफ़ी डिक्रीज हुआ है अर्निंग पर शेयर। उसके बाद कंपनी के परफॉर्मेंस से रिलेटेड और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसे हम देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए इक्विटी पर रिटर्न तो ये बढ़ा है, ये कंपनी का लगभग कांस्टेंट है एक तरह से। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट ये भी कंपनी का कहीं एक तरह से बढ़ा है, कैपिटल एम्प्लॉयमेंट पे जो रिटर्न है, रिटर्न ऑन एसेट ये भी कंपनी का इम्प्रूव हुआ है। लेकिन जो करेंट रेशियो है इसे देखिएगा तो करेंट रेशियो देख लीजिए 2.78, करेंट रेशियो हमारा 1:2 के बीच हो तो काफ़ी बेहतरीन है, यहाँ तो करेंट रेशियो हमारा 3 के करीब चला गया है, 2 से काफ़ी ऊपर है, मतलब जो करेंट एसर्ट है कंपनी के पास करेंट एसर्ट उसे यूज नहीं कर पा रहा है अपने ग्रोथ के लिए, तो जो कंपनी ग्रोथ पर फोकस नहीं कर पा रही है, ग्रोथ के लिए एसर्ट को यूज नहीं कर पा रही है, निश्चित है कि वो आगे जाकर के हमें उतना बेहतरीन रिटर्न नहीं दे सकता है जितना कि कंपनी ने अपने हिस्ट्री में दिया है। तो इसलिए कहते हैं ब्लू चिप कंपनी आपको उतना बेहतरीन रिटर्न नहीं दे सकता है जितना कि वो पीछे के इतिहास में दिया है, तो इन सब पैरामीटर्स को आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। अब हम कंपनी के जो टेक्निकल चार्ट है उस पर लेवल्स और टारगेट की बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाएंगे कंपनी ने अपने 20 साल के इतिहास में कैसा रिटर्न दिया है। दोस्तों हम आ चुके हैं जीरोधा के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर, ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, अगर आपने अभी तक जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक से जीरोधा में अकाउंट ओपन कीजिए, ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। दूसरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म काफ़ी बेहतरीन इंटरफेस है, डिलीवरी पे चार्ज फ्री है, बिल्कुल फ्री है, और इंट्राडे में मैक्सिमम 20 रुपया पर ट्रेड लगता है आपको। यहाँ पर देख लीजिए सारे चार्ट हम जीरोधा में ही देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं 200 डे का मूविंग एवरेज ये है, तो 200 डे का मूविंग एवरेज से इसका प्राइस काफ़ी ऊपर जा चुका है, 200 डे का मूविंग एवरेज है 230, अभी प्राइस चल रहा है 270 रुपीज़, काफ़ी ऊपर है। 100 डे का मूविंग एवरेज है 220, उससे भी स्टॉक्स काफ़ी ऊपर है, तो सारे मूविंग एवरेज, यहाँ तक कि 20 डे का जो मूविंग एवरेज है
246 रुपया, 246 रुपये, उससे भी स्टॉक्स का प्राइस काफ़ी ऊपर है। ये कब हुआ? जब रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव आया, मार्केट के एस्टिमेट को बीट कर दिया रिजल्ट, तो इसमें काफ़ी तेज़ी देखने मिला। ये स्टॉक्स डायरेक्ट 220 रुपया से ओपन हुआ 260 रुपया पे। तो समझते इतनी बड़ी तेज़ी, क्योंकि लॉकडाउन का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, पैंडमिक का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आगे भी इफेक्ट नहीं होगा। आगे इफेक्ट पड़ेगा कंपनी के ऊपर, कंपनी के परफॉर्मेंस पे आगे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अब जो सिचुएशन है धीरे धीरे और बदतर हो जा रहा है। कई सारे मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के लिए फाइल हो रहे हैं USA में, इंडिया में, क्योंकि ये सारी IT कंपनियों जो है, इनके जो बिजनेस है यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है, तो फॉरेन कंट्री में भी है, तो वहाँ पे भी बिजनेस प्रभावित होगा। समझ सकते हैं आपको, जो इस कंपनी का साथ साथ रुपया का भाव नीचे आ रहा है, मतलब डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो रहा है। अभी जो पहले था डॉलर, $1 बराबर 77 रुपीज़ तक जा चुका था, अभी ये 74 पे आ चुका है, तो रुपया काफ़ी स्ट्रांग हुआ है, तो उससे भी इस कंपनियों को घाटा होने वाला है, क्योंकि वहाँ से जो अर्निंग आएगा वो रुपया कम होने से, मतलब रुपया स्ट्रांग होने से कम अर्निंग यहाँ आएगा। इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। तो अब इसमें लेवल टारगेट की बात करें, तो ऊपर जो है ये 300 के ऊपर जा सकता है, अगर सारा चीज़ फिर से बेहतरीन रिजल्ट आया अगले क्वार्टर का भी। अगर नीचे की बात करें, अगर मार्केट में करेक्शन आता है, बहुत बड़ा करेक्शन, तो अब आप यहाँ का जो करेक्शन है इस प्राइस को भूल जाइए, क्योंकि अब ये इस प्राइस पर नहीं जाने वाला। अब जो आपको ये प्राइस होगा 220, इसका पहला मेजर सपोर्ट होगा, अगर मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आता है, नहीं तो इसका जो सपोर्ट है अब 260 रुपीज़ है। 260 रुपीज़ अगर मार्केट में कोई करेक्शन नहीं आता है, तो 260 रुपीज़ इसका पहला सपोर्ट है, जहां पे आपको बाय करना चाहिए ये स्टॉक्स। अगर मार्केट में करेक्शन आता है कभी 1000 पॉइंट का, कुछ भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये नीचे के लेवल पर 220 पे आ सकता है, अगर 1000 पॉइंट का करेक्शन आया। अब मार्केट में उतना बड़ा फॉल, जितना बड़ा फॉल आपने देखा 7500 निफ्टी आ जाए, तो वैसे में कोई भी स्टॉक क्रैश होकर के कहीं भी जा सकता है, लेकिन वैसा उम्मीद बहुत कम कीजिएगा, क्योंकि अब तो सारी चीज़ें आपको दिख रही है, कभी जैसे लग रहा है कि नॉर्मल चल रहा है, लेकिन वैसा नॉर्मल हमारा है नहीं सिचुएशन। लेकिन फिर भी अगर मार्केट में करेक्शन आता है, तो ये 220 रुपीज़ पर आपको अब मिल सकता है, नहीं तो ये नॉर्मल सिचुएशन बना रहा है, तो 260 इसका सपोर्ट लेवल है, और ऊपर का टारगेट 300 के ऊपर है। तो ये थे लेवल और टारगेट। अब हम बात करते हैं इसके लॉन्ग टर्म चार्ट का। उससे पहले यहाँ पर RSI देख लीजिए, RSI इसका अभी है 76, मतलब आप ओवर बाउट हो चुका है, स्टॉक्स ओवर बाउट है, तो यहाँ पर आपको RSI सिग्नल दे रहा है कि आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये ओवर बाउट है, लेकिन साथ साथ ह्यूज वॉल्यूम के साथ आया है, ये भी ध्यान रखना है। ह्यूज वॉल्यूम मतलब होता है कि इस स्टॉक में आगे भी स्ट्रेंथ बना रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टर इसमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहा है, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है इस स्टॉक में। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं विप्रो का ये लॉन्ग टर्म चार्ट है। अगर यहाँ से आप देखें, यहाँ 1999 से ये चार्ट दिखा रहा है, तो 1999 में आप देखेंगे तो ये 300 को 2000 ईस्वी में भी एकाएक पार कर गया था, एक ही बार में ये 2000 ईस्वी में 300 रुपया को भी पार कर गया था ये स्टॉक्स। आखिर वो ऐसी कौन सी तेज़ी थी? अगर कोई 1999 में इन्वेस्ट किया रहता, तो उसी समय उसे लगभग 20 टाइम्स का रिटर्न प्राप्त होता। 20 टाइम्स, मतलब अगर आप 1 लाख रुपया लगाए होते, तो यहाँ 20 लाख रुपया वो हो जाता, तो समझ सकते इतना बड़ा रिटर्न। उसके बाद इसमें काफ़ी करेक्शन आया, और 2003 सब में ये काफ़ी करेक्शन पे स्टॉक्स मिल रहा था, तो वहाँ 2003 से आप देखिएगा तो ये अभी भी मात्र दे रहा है 665% का रिटर्न, 665% रिटर्न। बहुत सारे व्यूवर्स देखते हैं तो कहते हैं इतना तो FD पे इससे ज़्यादा ब्याज मिल जाएगा, तो इसमें क्या इन्वेस्ट करना। तो बोनस के मैजिक को जो नहीं जानते हैं, तो बोनस के मैजिक को देखिए। हमारे चैनल पर होते हुए अगर आपने बोनस के मैजिक को नहीं जाना है, हम सिप्ला के कैलकुलेशन को बताएं, कई सारे कैलकुलेशन लोग कहते हैं पीछे के भूलिए, पास्ट को भूलिए, सब कोई जानता है कितना रिटर्न दिया है, लेकिन बहुत सारे जो नए व्यूवर्स हैं वो चार्ट पर देखते हैं 665% का रिटर्न। 665% का रिटर्न देखने के बाद उन्हें लगता है FD पर 20 साल में इससे ज़्यादा ब्याज उन्हें मिल जाता। तो दोस्तों यहाँ आप गलती करें, क्योंकि ये बोनस के कारण आपके शेयर को ही इतना मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मान लीजिए आप एक शेयर खरीदे, उसे 100 शेयर बना दिया, प्राइस आपका जो 200 रुपये आप खरीदे 200 ही है, लेकिन आपका रिटर्न 100 गुना हो गया, 100 गुना हो गया, मतलब आपने 1 लाख रुपया लगाया होगा, तो वो डायरेक्ट आपका 1 लाख हो गया, 1 करोड़ रुपया, 1 लाख डायरेक्ट 1 करोड़ हो गया। ये है बोनस शेयर का मैजिक।
बोनस शेयर के मैजिक को याद रखिए, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक में ये अगर आपके शेयर को 50 गुना भी किया है तो आपका रिटर्न 50 गुना हो गया, 50 गुना मतलब 5000%। साथ साथ यहाँ तो प्राइस में भी देख सकते हैं, प्राइस में भी आपका रिटर्न हो रहा है 600, अगर देखिए तो 1000% देख लीजिए, 1999 से अभी तक में 1000% हो रहा है, साथ साथ 10 गुना रिटर्न प्राइस में भी। तो ये सारे रिटर्न है, बोनस शेयर आपके नंबर ऑफ शेयर को ही काफ़ी मल्टीप्लाई कर देता है जिससे बेहतरीन रिटर्न मिलता है। तो अगर हमारे चैनल पर होते हुए अगर आप बोनस शेयर के मैजिक को नहीं सीख पाए हैं तो बहुत कम जगह आप बोनस शेयर के मैजिक को सीख पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा कि बोनस शेयर में आपको क्यों इन्वेस्ट करनी चाहिए और विप्रो क्यों स्टॉक मार्केट में सभी का रिटर्न देने में सभी का बाप है, मतलब सबसे गजब का रिटर्न दिया है तो वह है विप्रो, क्योंकि ये बोनस शेयर इतनी देती है, इतना बोनस शेयर देती है आपके रिटर्न को काफ़ी टाइम्स मल्टीप्लाई कर देती है। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।